हेलो फ्रेंड्स, आज आप गल करन जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स दी आईएलटीएस विच ईच मॉड्यूल विच रिक्वायरमेंट पूरी क्यों नहीं हो रही। ओना दे कदे लिसनिंग विच, कदे रीडिंग विच, कदे राइटिंग, कदे स्पीकिंग विच बैंड स्कोर कट रह जाता है। जे किसी स्टूडेंट दी रिक्वायरमेंट 6 दी है तो उसका स्कोर 5.5, अगर किसी स्टूडेंट दी रिक्वायरमेंट 6.5 है तो उनका स्कोर 6 रह जाता है। सिर्फ हाफ बैंड कारण उन्होंने या तो प्लान ड्रॉप करना पड़ता है या बार बार 5-6 बार एग्जाम देना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट डीमोटिवेट भी हो जाते हैं और बाहर जाने का प्लान ही ड्रॉप कर देते हैं। एक्चुअली उनका स्कोर सेम आंदा या घट आंदा बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने पर्सनल अटेंशन नहीं मिलती। स्टूडेंट्स 30 to 40 or 40 to 50 बच्चों के बैच में तैयारी करते हैं आईएलटीएस की, तो जिथे ट्रेनर लिए उन्होंने पर्सनल अटेंशन देना बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट्स को यह नहीं पता चलता कि राइटिंग में की कारण है उनका स्कोर घट है, रीडिंग में उन्होंने सही डिस्कशन नहीं मिलती, तो सही लोकेशन लभन का जरिया नहीं मिलता। उन्होंने प्रैक्टिस तो करवाई जाती है पर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती। हर स्टूडेंट के गलतियों के कई कारण होते हैं जो उन्होंने परसनली जानना बहुत जरूरी है, पर जो वह काफ़ी बच्चों में तैयारी करते हैं तो उन्होंने यह जानना मुश्किल हो जाता है कि उनका एरर कितने है। कई स्टूडेंट्स की राइटिंग की असैसमेंट भी नहीं होंगी तो वह कई बार एग्जाम दे देते हैं तो स्कोर कट लेंगे। सो इतने मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस मिले तो राइट मेंटर मिले तो वह ईजीली अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और फर्स्ट टाइम में ही ईच मॉड्यूल में अपनी बैंड रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। असी इंग्लिश मेंटर विच तुहानू पर्सनल अटेंशन देंदे हाँ। इत्थे साडे कोल स्मॉल बैचेज हैं, साडे कोल हर क्लास लई 2-3 ट्रेनर्स हैं जो परसनली गाइड करते हैं, तो एक एक बच्चे नू दस्या जाता है कि कित्थे उन्हां दी मिस्टेक हो रही है। वी एट इंग्लिश मेंटर प्रोवाइड लेटेस्ट मटीरियल, वी हैव स्मॉल बैचेज, वी हैव ट्रेन ट्रेनर्स फ्रॉम IDP ब्रिटिश काउंसिल हू ट्रेन द स्टूडेंट प्रॉपरली। We give individual attention and our students score well in IELTS in their first attempt. Thank you.